Hello friends, my name is Sivangi Kuswaha and I am a system engineer in Infosys company, and today I am going to share my all the experiences throughout the training which I have received from Infosys. So I am going to explain my whole journey of experience, how the training is, how to clear it in the first attempt, and what my experience is, how to do it. So we will discuss all these things with you. So without wasting time, let's move to the video. So basically जो हमारे ट्रेनिंग होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है. पहली होती है जनरल ट्रेनिंग, दूसरी होती है हमारी स्ट्रीम ट्रेनिंग, और थर्ड होती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग. सो मेरी ज्वाइनिंग जब हुई थी 20 सितंबर को हुई थी, तो फर्स्ट फाइव डे में हमारा इंट्रोडक्शन होता है, उसमें हमें चीज़ें पॉलिसीज ये सब चीज़ें बताई जाती हैं. एंड एक दिन हमारा होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि कुछ इंग्लिश ग्लोबल इंग्लिश कोर्सेस हैं, वो भी आपको साथ में साथ कवर करते चलना है. उसके बाद से हमारा एक वीक जो होता है वो जनरल ट्रेनिंग होती है, जिसमें DBMS ओप्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत ब्रशअप करते हैं, क्योंकि मेरा ओवरऑल जो ट्रेनिंग था वो सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ था, तो मैं ऑनलाइन की जर्नी की अपने बात बता रही हूँ. फिर उसके बाद से हमें थर्ड वीक में क्या हुआ, हमें स्ट्रीम अलॉट कर दिया गया. तो स्ट्रीम जो होता है वो बिल्कुल ही रैंडम अलॉट होता है. यू हैव नो एनी क्राइटेरिया, एनी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ इज गोइंग टू बी गिवन टू यू. सो कोई भी आपको स्ट्रीम मिल सकता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो मुझे मिला था, मुझे सैप मिला था, और मेरे बाकी फ्रेंड जैसे कि सैप, जावा, BI, बहुत सारे हैं ब्रांच. सो anyone can be choose. उसके बाद से उसी पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट वीक से. फिर हमारी जो स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है उसमें हमारे 4 असेसमेंट होते हैं हमें, FA1, FA2, Focus Area 1, Focus Area 2, Focus Area 3, Focus Area 4. तो सारे 4 फोकस एरिया होते हैं, चारों को हमें पास करना होता है. जैसे FA1 में है तो हमें 50% सब में ही लाना है, मिनिमम क्राइटेरिया होती है पास करने की. और अगर आपको जब ओवरऑल चारों को मिला के आपको 65 से अबव रहेगा तभी आप पास होते हैं, आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं. तो आप ऐसा बना के रखें कि सब में 50 से ऊपर, 60 से ऊपर ही लाएं. और मेरे हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो FA1 FA2 थोड़ा हार्ड होता है, FA3 FA4 बहुत ईजी होता है. FA4 इज बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड, तो दिक्कत नहीं आती है. तो ये तो हमारी पूरी हो गई कि कैसे हमने ट्रेनिंग खत्म करी. और साथ ही साथ जो भी आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं, जो भी आपको ट्रेनर सिखाते हैं, हर वीक नए ट्रेनर आते हैं, वो भी जो चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उसको एक उसी दिन कवर कर लें. क्योंकि अगर आप लेट करते हैं तो फिर आपके साथ ही दिक्कत होगी कि अब चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी, हर चीज़ उसके साथ में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग है जो 4 या 6 महीने की बीच की होती है वो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगी. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होती है तो फिर आपको दूसरा अटेम्प्ट में मिलता है, 15 डे का आपको ट्रेन टाइम मिलता है, जिसमें आप उसको रिवाइज करके दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें जो भी फोकस एरिया में आपके नंबर कम हो उसमें आप दोबारा रिवाइज कर सकते, दोबारा एग्जाम दे सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले बार में क्लियर कर लिया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं. तो अगर जिसने नहीं किया उसको 15 दिन का टाइम मिलेगा, वो दोबारा कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट आती है जब हमारी सॉफ्ट स्किल्स की बात थी. सॉफ्ट स्किल्स में आपको एग्जाम्स होते हैं, एक एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 65 से अबव लाना होता है, और वो उसको क्लियर करना मैंडेटरी है. बट ये है कि अगर इंग्लिश का एग्जाम आपने इसके साथ ही ट्रेनिंग के साथ ही साथ क्लियर नहीं किया तो ये उसमें एग्जिट क्राइटेरिया में नहीं आता है. तो आपको उसमें टाइम दिया जाएगा कि आप उसको क्लियर कर ले थोड़े दिन में ही. उसके बाद से ये सारे जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद से आपको फिर ट्रेनिंग में आपको प्रोजेक्ट अलॉट कर दे. जैसे कि मैं वेट कर रही हूँ, अभी मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि अब मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा. तो फिर यही सब जर्नी है, एंड आई होप यू हैव ऑल द डाउट क्लियर हो चुका होगा आपको. तो फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं अभी इन्फोसिस की अदर वीडियोज़ के साथ. मैं आपको मिलूंगी. थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड बाय बाय.